ही बनेंगे सिंगर। हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल और मैं आप सबका इस शो में स्वागत करता हूं जिसका नाम है द वायरल सिंगर, द फर्स्ट एवर डिजिटल रियलिटी शो। आई एम सॉरी, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं होस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सबसे मुश्किल काम है। सो एवरीवन, हमारे इस शो के होस्ट मिस सिमरन आहूजा जी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो पूरे शो में इतने एनर्जी के साथ बने रहे और उन्होंने सबको अपनी अच्छी वाइब्स दी। और थैंक यू सो मच द वायरल सिंगर, जिन्होंने हमें मौका दिया इस शो पे आने का। और थैंक्स टू ऑल द जजेस जो इतने प्यार से हमारे साथ बने रहे। सो दिस इज़ द टाइम कि मैं सिमरन मैम के लिए एक बहुत प्यारा सा टास्क लेके आया हूँ। सो मैम, आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले एक पेन और एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक पेन और एक पेपर लेना है, और तीसरी चीज़, आपको अपनी आंखों में पट्टी बांधनी है, और उसके बाद आपको एक बिल्ली ड्रॉ करनी है, एक कैट ड्रॉ करनी है। तो हम सब देखेंगे कि आप कैसी कैट ड्रॉ करते हो। काफी इजी है, आई होप कि आप ये पूरा कर पाए। थैंक यू सो मच। दैट वाज रियली फनी अनिल, आई मस्ट से काफी अच्छी तरह से मिमिक करने की कोशिश की है आपने। वेल, वैसे आपने जो टास्क मुझे दिया है ना, ये बड़ा चैलेंजिंग है। ओके, एंड मैं इसे पूरी पूरी कोशिश करूंगी, यू नो, एज मच एज पॉसिबल अच्छी तरह से कैट को ड्रॉ कर सकूं। एंड ठीक है, तो मैं जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, आई विल गो एंड गेट माय पेपर एंड पेन हियर एंड अ रिबन टू ब्लाइंड फोल्ड एंड यू नो रियली हैव दैट स्पेशल इमेजिनेशन इन माय हार्ट एंड पुट इट ऑन पेपर टू शो इट टू यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल, तो मेरे पास पेपर और पेन आ गया है एंड I'm going to draw the cat जो मुझे challenge मिला है, so let's get started and yeah, I'm going to close my eyes and then try and draw a beautiful cat. So this is how it goes. वैसे आप लोग मुझे बहुत अच्छे challenges और task दे रहे हैं, मुझे पता है आज हमारा last day है, तो कर लीजिए, दे दीजिए मुझे सारे tough task, ठीक है? So let's get started. Oh God, please bless me. Actually, it's not easy, huh? Jitna mujhe lag raha tha. So, I think I'm going to be a disaster with this. But mujhe to kuch bhi pata nahi hai. Yaar, what made you think this, yaar? Aap ye sab kar sakte ho, lekin shayad main hi kar sakti hoon. So, I'm just going to request you to once again not judge me for this. But I must say that this is pretty much challenging. So, here are my eyes closed and here is my funny cat. Wee mama, can I show it to you all? Oh my god, okay. So, ye to mujhe pata tha, cat is going to be like it's not in place, the ears and you know, feet mein thoda sa gap hai. But I'm just gonna say, oh, I forgot the ears. Can I just do the ears? Just the ears, okay. And the beautiful eyes. And just okay, then I join the dots basically, man. And just join the dots here and join the dots here, okay. And yeah. Okay, so this is my cat. But मुझे पता था that cat से तो मैं आपका दिल नहीं जीत सकती हूँ, लेकिन I've drawn these beautiful hearts जो आप देख सकते हो. So you know, these beautiful hearts are you know for everyone, for our lovely viewers who've been here with us, and you know जो भी हमारे साथ जुड़े हैं. This is for all our judges and contestants जो इस part का हिस्सा रहे हैं, and of course all the organizers who are a part of the Viral Singer. And this is my छोटा सा heart. मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं सबको खुश कर सकूँ अपने छोटे से वे में. एंड दिस इज माय साइन, सो थैंक यू सो मच एंड दिस वाज अ लवली चैलेंज. ओह माय गॉड, प्लीज किसी से ये बात मत कहना, लेकिन ये बात तो सबको पसंद आ गई. लेकिन जस्ट रीड दिस, लव सिमरन, बट आई स्टिल लव यू. वैसे मैं ड्रॉइंग में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आंखें बंद करके कभी ड्रॉ नहीं किया है आज तक. सो थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव. हमारी फाइनलिस्ट सिर्फ गाने में ही एक्सपर्ट्स नहीं है, टास्क देने में काफी एक्सपर्ट है, ये मैंने आज जान लिया और हमारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स ने भी ये सब जान लिया. अब गाना गाने से मुझे याद आता है कि हमारी अमृता ने तो अब तक परफॉर्म ही नहीं किया,
तो बिना वक्त गवाए मैं बुलाना चाहूंगी टीम साहिल स्टेनर्स से अमृता नायर को। मेरे दिल को दया लेकर, मेरी नींद चुरा ली उसने और ख्वाब गया देकर। होगा हैंडसम सोना सबसे, मेरे दिल को गया लेकर, मेरी नींद चुरा ली उसने और ख्वाब गया देकर। अब ये नैना बोले यार, बोले यही लगातार, कोई चाहे कितना रोके करूंगी प्यार। ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी। ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी। ओ मेरे सैया सुपरस्टार। जब उसने कल रात मुझे प्रपोज किया, बार ना देखा उसको दिल का रोज दिया। फिल्मी स्टाइल से जब उसने कल रात मुझे प्रपोज किया, बार ना देखा उसको दिल का रोज दिया। हुए चर्चे 4000, फोटो छप गई अखबार, मुझको परवाह नहीं कोई, I'm with the star। ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। बाकी तो आपने और भी लोगों को अपना फैन बना लिया है। With this, I would like our judge Priyanka to say something about her journey and the lovely experience with the viral singer. Hello friends, I'm very glad to be a part of this reality show, this virtual digital reality show. मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि घर पे बैठे मैं ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गई हूँ। So, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये सपना तो नहीं है। वैसे भी ये लॉकडाउन पीरियड ऐतिहासिक पन्नों में रचा जाएगा, लेकिन ऐतिहासिक दिनों में जो ये ऐतिहासिक काम हुआ है अलगोल फिल्म्स के द्वारा, बहुत ही अप्रिशिएट मैं करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि कुछ तो प्रोडक्टिव किया हमने इस पीरियड में, क्योंकि काफ़ी कुछ हलचल चल रही है दुनिया में। और उस बीच हमने कलाकारों को, अच्छे कलाकारों को एक स्टेज दिया, घर बैठे गाना गवाया। तो इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग फॉर मी। और जहाँ तक कि सफ़र रहा मेरा द वायरल सिंगर का, तो शुरुआत में तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किस तरह से चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन जब मुझे आइडिया के बारे में पता चला, आई वॉज वेरी रियली वेरी कन्फ्यूज्ड कि कैसे चीज़ें होंगी। बट थैंक्स टू द टीम जो इसके पीछे लगी रही इस लॉकडाउन पीरियड में, तो उनका मैं सलाम करना चाहती हूँ कि इतनी मेहनत करके सबको एक रियलिटी शो का एक कह सकते हैं एक रूप दिया। ऐसा लग रहा है कि सब साथ में हैं। एंकर किसी एक और शहर में है, मैं किसी शहर में हूँ, बाकी टीम के तीन जजेस और अलग शहरों में हैं, सारे कंटेस्टेंट्स अपने अपने शहरों में हैं, लेकिन आपको ये रियलिटी शो देख के लगेगा कि सब एक साथ एक किसी स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हम ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जज कर रहे हैं। दैट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग सीरियसली। और इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनना, और फिर मेरी टीम, आई वॉज वेरी लकी कि मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी टीम आई। जैसे अभी जो युक्ता है ये फाइनल्स में है, एंड आई विश कि वो प्रियंका परफेक्ट को जिताने में बिल्कुल अपनी जान लगा दें। और आज पता चलने वाला है कि आज कौन जीतेगा। सो युक्ता के बारे में कहें, शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल और बहुत हार्ड वर्किंग है। उनकी आवाज़ में एक यू नो क्लासिकली ट्रेंड वाली चीज़ें लगती हैं। लता जी, आशा जी के गाने तो वो गा ही लेंगी, मगर आई एम श्योर जिन्होंने क्लासिकल सीखा है, क्लासिकली ट्रेंड आवाज़ है, वो ज़रा सा मेहनत करेंगे तो वेस्टर्न गाने भी बहुत प्यारी तरीके से वो निभा सकती हैं, आई एम वेरी मच श्योर।
तो बस उनको जिताइए, प्रियंका इज परफेक्ट, क्योंकि जब हम गाते हैं तो हमारे गाने में कोई डिफेक्ट निकालना नहीं पड़ता है, नहीं निकाला जा सकता है, बिकॉज वी आर प्रियंका इज परफेक्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग युक्ता एंड प्रियंका इज परफेक्ट टीम, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो वंस अगेन. एंड वंस अगेन थैंक्स टू आई गोल्ड फिल्म्स, स्वप्निल, आई विल टेक योर नेम एज वेल. बहुत परेशान किया है आपने मुझे और मैंने आपको, तो बस इसी तरह एक दूसरे को परेशान करते रहे और कुछ अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ें निकालते रहे, बस और कुछ नहीं. थैंक यू सो मच. हमारे फाइनलिस्ट में से सिर्फ एक ही फाइनलिस्ट है जिनका परफॉर्मेंस हमने अभी तक नहीं देखा, तो चलिए ये भी कसर पूरी करते हैं और बुलाते हैं अरिंदम को फ्रॉम टीम विशाल्स विक्टोरियस. आज ये गाने वाले हैं फिल्म वॉर का वेरी फेमस गाना गंगरू टूट गए. लेकिन देखते हैं कि इस परफॉर्मेंस के बाद अरिंदम के फैंस की लिस्ट में कितने रिकॉर्ड टूटते हैं. पूरे सारे ख्वाब करे क्या करने हैं उम्रों के आधे, ये जो रहते हैं रहने दे आने, दो बार नहीं एक बार सही, एक रात की कर ले तू यारी, सुबह तक मान के मेरी बात, तू ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू के घुंघरू टूट गए, छोड़ के सारे शर्म और लाज, मैं से जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए. क्या करने हैं उम्रों के वादे, ये जो रहते हैं रहने दे यादे, दो बार नहीं एक बार सही, एक रात की कर ले तू यारी, सुबह तक मान के मेरी बात, तू ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के बहुत ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस था आई मस्ट से. आई एम श्योर सभी को ये परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया होगा जितना हमें पसंद आया. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं हमारे जज कुशाल से कि उन्हें कैसा लग रहा है. वो खुद सिंगिंग रियलिटी शो के विनर रह चुके हैं और इस बार उन्होंने एक जज का रोल निभाया है, तो कैसा लग रहा है उनका ये सफर, आइए हम उनसे जानते हैं. मैं खुद तीन तीन रियलिटी शोज कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में और तीन तीन रियलिटी शोज मैं जीत चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में. सो वो सारे एक्सपीरियंस यू नो वेर वेरी सिमिलर, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था मेरा जब मुझे पता चला कि मुझे एक रियलिटी शो जज करना है, तो पहले तो मेरे तोते हो गए, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, मुझे नहीं लगता था कि मैं जज कर सकता हूँ, लेकिन जो वायरल सिंगर की टीम है अजय सर एंड एवरीबडी, दे थॉट दैट आई कैन डू इट, सो आई डिडंट से नो, और मैंने ये किया. एंड आई थिंक ये बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मेरी एक टीम थी जिसमें चार लोग थे, उन चारों के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनी, हम शेयर करते थे कि हमें कौन सा गाना गाना है, कैसे गाना है, हम ये सारी चीज़ें करते थे एक साथ. सो इट वॉज रियली अगेन अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस एज अ जज, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, द सिंगर्स वर फैंटास्टिक और वो सारे इतना अच्छा गाते हैं, सो आई गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स बींग अ जज एंड इट वॉज अमेजिंग. फाइनली ये शो अपनी जर्नी के लास्ट पार्ट में आ चुका है, दिस इज द फिनाले ऑफ द शो एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे. बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए ये,
एक न्यू एज की शुरुआत हुई ऐसा लगा मुझे, जहाँ पे हम डिजिटल यू नो रियलिटी शोज देख रहे हैं. एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इट इज अमेजिंग. थैंक यू सो मच टू द टीम ऑफ द वायरल सिंगर फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट. एंड बहुत ही मजेदार जर्नी रही बाकी सारे जजेस के साथ और सारे कंटेस्टेंट्स के साथ, मेरी टीम के साथ, जो भी मेरी टीम में सारे मेरे प्यारे सिंगर्स थे, और उन सब के वजह से ये जर्नी इतना ब्यूटीफुल हुआ है. आप सबको इतने सारे गाने सुनने को मिले हैं. सो थैंक्स टू देम अगेन. और अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक यू पीपल जो देख रहे हैं फॉर वॉचिंग द शो, गिविंग द कंटेस्टेंट्स योर लव. और दैट्स इट. थैंक यू सो मच एवरीबडी. एंड जज कुशाल की तरह एक और जज है जो कई सारे सिंगिंग रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुके हैं. आप सभी तो समझ ही चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं, जज साहिल की. तब मैं साहिल से प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो आज ग्रैंड फिनाले के इस एपिसोड को और भी ज्यादा रॉकिंग बनाए और हमें अपनी आवाज से कुछ गा के सुनाए. साहिल. लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी दाजे बन दा शगी जाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो दमादम मस्त कलंदर शगी जाबाज कलंदर हो लाल मेरी है लाल मेरी चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन आइया बला झूले लालन ओ पंजवा में बालन ओ पंजवा में बालन आइया बला झूले लालन सिंदड़ी दाजे बन दाश की जाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर हो अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर शगी जाबाज कलंदर. That was absolutely stunning, just as your team's name, Sahil's Stunners. तो साहिल के परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है मेरे परफॉर्मेंस की. And you know, I mean, I'm really nervous this time. पता नहीं कौन सा टास्क मिलने वाला है, पर मुझे टास्क दे रही है युक्ता. युक्ता, I'm all ready. हेलो, मैं हूँ युक्ता. हम कंटेस्टेंट्स का चैलेंज राउंड तो हो गया है, अब बारी है सिमरन मैम की. और सिमरन मैम को मैं ये चैलेंज देती हूँ कि उनको अपनी चॉइस का जो पसंद हो वो गाना गाना है. सिंग अ सॉन्ग. ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये आप सभी से कहना चाहूंगी दैट यू नो मैं आई एम नॉट अ सिंगर फॉर श्योर. तो प्लीज मुझे उस तरह से जज मत कीजिए, इस तरह से जज कीजिए कि ठीक है यू नो मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है और म्यूजिक से मेरा बहुत लगाव है, गहरा प्यार है, संबंध है. तो जब कोई मुझे पूछता था मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो मैं हमेशा कहती थी मेरा फेवरेट सॉन्ग मतलब बहुत एम्बैरेसिंग लगता था सबको. लेकिन मैं ये बात जरूर शेयर करना चाहूँगी आप सबसे, तो इसलिए मैं वो गाना न गा के दूसरा गाना गाऊंगी. तो यू नो मैं काफ़ी सारे कैरियो के यू नो शोज कर चुकी हूँ, और जब मेरी बारी आती है तो मैं ये गाना गाती हूँ, भीगे होठ तेरे प्यार सा दिल मेरा, यू नो. और मुझे ये गाना बहुत पसंद है, तो जब भी ट्रैक पे जाती हूँ यू नो आई एम लाइक यू नो ट्रैकिंग पे ये गाना गाती हूँ. सब लोग सोचते हैं लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद आई मीन और कोई गाना ऐसे पसंद नहीं है, बट समहाउ दैट सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. और मुझे मौका भी मिला टू बी विद इमरान हाशमी एंड एक्चुअली डांस विद हिम ऑन कहो ना कहो सॉन्ग, विच वॉज लाइक अनबिलीवेबल, लाइक दैट वॉज अ मिरेकल. और मैं सिर्फ इमरान से कह रही थी इमरान आई एम डाइंग इन योर आर्म्स, आई एम डाइंग इन योर आर्म्स, आई कुडंट बेयर इट, वी डिड बॉलरूम डांस ऑन कहो ना कहो. सो दैट इज एक्चुअली माय फेवरेट सॉन्ग बीगे हो तेरे. बट डेफिनेटली वो गाना नहीं गाऊंगी मैं. एंड आई विल सिंग येट अनदर फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन जो मैं बहुत सालों के बाद आज गा रही हूँ, बिकॉज आई डोंट सिंग एट ऑल. दैट इज वो जो स्टोरी सुनकर ये गाना और भी मेरे दिल के करीब आ गया. So I had a chance to, you know, I was a speaker. मैं speaker थी for a beautiful function where Subhash Gai ji and myself, हम दोनों speakers थे. तो पहले उनका session था और उसके बाद मेरा session था. तो इस गाने के बारे में जब मैंने सुना, of course, you know, Sonu Nigam is, I mean, I just love his voice and I just love the way he sings. और उन्होंने ये गाना गाया है. और जब Subhash Gai sir ने हमसे बात की, you know, परदेस फिल्म का जो ये गाना है, ये दिल, तो उन्होंने कहा कि शाहरुख को जाना था, उनकी फ़्लाइट पकड़नी थी, हम ऑलरेडी शूट में डिले हो चुके थे एंड उनकी फ़्लाइट मिस नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल्स. तो उन्होंने सोचा कि ये जो गाना है ये दिल,
एक्चुअली वो ड्राइव कर रहे थे, शाहरुख वॉज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट एक्चुअली, और इस तरह से ये गाना शूट हुआ और इतना सुपरहिट हुआ। तो ये जब मैंने सुना तो ये जो बात मुझे इतनी लग गई, यू नो, बाय इंटरेक्टिंग विद सुभाष गाई जी, और जब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह से हमारे लेजेंड्स, यू नो, जो एक सिंपल ऑर्डिनरी चीज होती है वो किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल बन जाती है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो आई एम गोना सिंग ये दिल दीवाना। दिल, ये दिल, ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में तड़पता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। Oh my God, please don't judge me for this. Thank you so much. And that was just a challenge and a task. So thank you so much. And yeah, aap zarur lekin comments mein likhiye that do you like the song and what do you feel about this beautiful song? I think it's one of my favorite, all-time favorite songs. Jo bahut energy dene wala song hai. Aur jab mujhe pata chala ye kis tarah se उन्होंने शूट किया था, एंड दैट एक्चुअली शाहरुख खान वाज गोइंग टू द एयरपोर्ट, उन्हें देर हो रही थी, एंड एक्चुअली वाज ड्राइविंग डाउन टू द एयरपोर्ट, और इस तरह से ये गाना शूट तो हुआ लेकिन सुपर हिट भी हुआ। सो आई थिंक इट इज फिनोमिनल एंड आई जस्ट लव द सॉन्ग। सो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए हाउ डिड यू फाइंड एंड हाउ इंटरेस्टिंग, एंड अगर आप ये सॉन्ग आपको अच्छा लगता है, एंड डू राइट समथिंग अबाउट मी एज वेल, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एवर सॉन्ग। सो थैंक यू वेरी मच टू द वायरल सिंगर। पता नहीं था, आई विश मुझे पता होता तो मैं एक्चुअली प्रैक्टिस करना शुरू करती, लेकिन मुझे सीखा भी सिर्फ आप ही सब सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो अपने इस परफॉर्मेंस के साथ ही मैं ये पार्ट भी एंड कर रही हूं, और मैं ग्रैंड फिनाले के लास्ट और फाइनल पार्ट में आपसे मिलूंगी, जहां आप सभी को पता चल जाएगा कि कौन है द वायरल सिंगर का अल्टीमेट विनर।